हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों को ल्यूकोरिया के बारे में बताएंगे। तो हम अपने चैनल पर ल्यूकोरिया के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को 10 स्पेसिफिक मेडिसिन ल्यूकोरिया के बारे में बताएंगे। वो उन लोगों के लिए, अब जैसे लड़कियों को वेजाइनल डिस्चार्ज ल्यूकोरिया में होता है कि वेजाइना से वाइट वाइट डिस्चार्ज होता है, तो कुछ लड़कियां अपने बात को डॉक्टर से अच्छी तरह से शेयर नहीं कर पाती हैं। उन लोगों के लिए हम 10 स्पेसिफिक मेडिसिन बताने जा रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख करके खुद भी जान सकते हैं कि हमको किस टाइप का प्रॉब्लम है, किस टाइप का हम मेडिसिन ले सकते हैं। तो फर्स्टली मेडिसिन है नंबर 1, कल्केरिया काल। तो कल्केरिया काल की पेशेंट जो है मोटी होगी और उसे वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल भी में होगा। दूसरा मेडिसिन है सीपिया। तो सीपिया है लिकोरिया में काम करेगा तब जब मेनोपॉजल स्टेज में होंगी, उम्रदराज लड़कियां होंगी, उन लोगों को सीपिया काम होगा, सीपिया काम करेगा। थोड़ा सा एक्सेस अटैकिंग पर्सन टाइप की वो सीपिया में आता है। थर्ड है पल्सेटिला। पल्सेटिला में इरेगुलर पीरियड अगर रहेगा तो उन लोगों को लिकोरिया और इरेगुलर पीरियड रहेगा और लिकोरिया का प्रॉब्लम होगा। वो लड़कियां पल्सेटिला की जो लड़कियां होती हैं थोड़ा सहानुभूति रखती है। उसके बाद आता है बोरेक्स, वाइट डिस्चार्ज उसमें होता है और स्मेल के साथ होता है। उसके बाद आ गया एलुमिना, उसमें कंस्टिपेशन रहेगा और वाइट डिस्चार्ज होगा। क्रिजोटम होगा, उसमें भी वाइट डिस्चार्ज होगा लेकिन स्मेल के साथ होगा। नेट्रामयूर, नेट्रामयूर में जो होगा उसमें होंगी जो लड़कियां नमक ज़्यादा खाती हैं, कंस्टिपेशन भी है, थोड़ा वीक है, उन लोगों को नेट्रामयूर बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद आता है हाइड्रेस्टिक, जो लीवर के कमजोर पेशेंट हैं, जिनका लीवर ठीक नहीं रहता है, माने कंस्टिपेशन रहता है, उन लोगों को हाइड्रेस्टिक बहुत ही बढ़िया काम करती है। उसके बाद आ जाता है मार्कसोल। तो मर्कसोल भी लिकोरिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। उसमें होता है कि नॉर्मल वे में लिकोरिया का जो लक्षण है, वाइट डिस्चार्ज वजाइना से, थीन लार्ज एक्सेस स्मेल के साथ, ये सब चीज़ को आंकना है इस मेडिसिन जो हम मेडिसिन बताने जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ओवर टोस्टा। उसमें होता है एक्सेस डिस्चार्ज वाइट इन लिकोरिया स्टेज में होता है। तो ये हम आप लोगों को लिकोरिया का 10 मेडिसिन आप लोगों को बता दिए, जो बहुत ही काम करेगी उन लड़कियों, उन पेशेंट को जो डॉक्टर के पास जा कर के भी अपने बारे में ठीक से बता नहीं पाते हैं, क्योंकि लड़कियां थोड़ा ले जा करके बोल नहीं पाती, वो अपने मदर से ही बता नहीं पाती है कि हमको इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस वीडियो में, वीडियो के माध्यम से वो अपना जान सकते हैं कि हमें किस टाइप का लिकोरिया है, किस टाइप का मेडिसिन हम लें, और आगे भी इस तरह का हम वीडियो बनाते रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ना भूलिएगा।